भारत एक कृषि प्रधान देश है और गौ माता उसका आधार है। न सिर्फ कृषि का आधार है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और उसके जो अध्यात्म है और उसकी जो आस्था का केंद्र भी है। इसके बावजूद भी कि संविधान के अनुच्छेद 44 में भी गौ रक्षा की बात कही गई है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि देश के स्वतंत्र भारत में अगर पहला कोई कानून बने तो गौ हत्या विरोधी कानून बनना चाहिए, गौ रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए, गौ पालन के लिए संविधान में कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक संपूर्ण भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। लेकिन फिर भी जिन राज्यों ने एक कठोर कानून बनाए भी हैं उन कानून का पालन करने वाले के नाम पर जो है वो जो जिहादी तत्व हैं, गौ भक्षक हैं, गौ तस्कर हैं, वो लगातार अपने क्रिमिनल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। इतना कठोर कानून होने के बावजूद भी वो और उनके पैरोकार रोजाना खड़े हो जाते हैं और गौ रक्षकों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, कानून के रक्षकों को लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं और लगातार गौ हत्याएं भी कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी जो उनके पैरोकार हैं उन्हीं का पक्ष लेने को उतारू हैं, न कानून को देखते, न संविधान को देखते, न भारत की आस्था और विश्वास को देखते और न ही अर्थव्यवस्था को देखते। उन्हें सिर्फ नजर आता है तो गौ भक्षण करने वाले लोग नजर आते हैं, उन्हीं के पक्षकार बन के खड़े हो जाते हैं और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। कमाल की बात है, ऐसे ऐसे जो जिहादियों के जो पैरोकार हैं वो एक वो जो सांसद और वो हैदराबादी भाईजान भी हैं जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गौ रक्षकों के ऊपर भी अपनी ओछी मानसिकता से बाज नहीं आते। उनको समझ लेना चाहिए कि गौ रक्षकों के अगेंस्ट में या जो गौ भक्षक हैं उनका साथ अगर दोगे तो ये देश आपका साथ नहीं देगा। आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि जो लोग गौ भक्षण के लिए या उस कानून का पालन करने से गुरेज कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने से आपका भला नहीं होने वाला, समाज आपको नहीं बख्शेगा। गौ माता की रक्षा के लिए समाज प्रणपण से जुटा हुआ है। कानून कुछ भी हो लेकिन आस्था और विश्वास की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है और प्रत्येक सांसद का भी कर्तव्य है कि भारत के ऐसे श्रद्धावान लोगों की श्रद्धा का भी ध्यान रखें।